नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाएंगे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर कलरफुल किनोआ सैलेड। मेरे पास काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि वेट लॉस के लिए रेसिपी शेयर की जाए। आज ये रेसिपी खास वेट वॉचर्स के लिए। अगर आप भी चाहते हैं वेट लॉस के लिए कुछ अलग ट्राई करना तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। वीडियो अगर पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। किनोआ सैलेड बनाने के लिए हमें चाहिए 3/4 कप रेगुलर व्हाइट किनोआ। इसकी जगह ब्लैक या रेड भी ले सकते हैं। इसे वॉश करेंगे। वॉश करने के लिए इस तरह की बारीक चलने काम में लें और 3-4 बार पानी से धो लें। 3/4 कप यहाँ किनोआ लिया है। किनोआ अच्छे से वॉश कर लिया है। हैवी बॉटम पैन लेंगे और उसके अंदर ऐड करेंगे 3 कप पानी। वॉश किया हुआ किनोआ इसके अंदर डाल देंगे और बॉयल आने देंगे। जिस तरह से हम चावल कुक करते हैं ठीक उसी तरह से इसे हमें कुक करना है, पर इसे पकने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। जब अच्छा सा बॉयल आ जाए फ्लेम करेंगे लो टू मीडियम और इसे कवर कर देंगे। 10-15 मिनट के लिए कुक होने देंगे। कुक होने के बाद किनोआ 2-3 गुना हो जाता है और इस तरह से फूल जाता है। बीच में से ये स्प्लिट हो जाता है। इस तरह का टेक्सचर अगर मिल रहा है इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो गया है। इसी स्टेज पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। दूसरी तरफ यहाँ पैन में ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल या फिर तिल का तेल। अब इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज बीटरूट चौकोर कटा हुआ। उतनी ही क्वांटिटी में गाजर ऐड करेंगे, साते करेंगे। 2 बड़े चम्मच पानी ऐड करेंगे, कवर करेंगे और इन्हें सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। 3-4 मिनट बाद जब इसे देखते हैं सब्जियां कुक हो गई हैं, सॉफ्ट हो गई हैं, श्रिंक हो गई हैं। इस तरह से अगर ऑयल में झाग दिखाई दे ये नॉर्मल है। यहाँ मैंने तिल का तेल काम में लिया है इसलिए इस तरह से आपको झाग दिखाई दे रहा है, बट ऑलिव ऑयल अगर काम में लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। गाजर और बीटरूट को इस तरह से साइड में कर देंगे और ऑयल को सेपरेट कर देंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1/4 कप अखरोट और इन्हें रोस्ट कर लेंगे। अखरोट ऐड करने से इसके अंदर नटी फ्लेवर मिलेगा। अब इसके अंदर डालेंगे पालक। यहाँ मैंने 100 ग्राम के आसपास पालक काम में लिया है। इस सैलेड के अंदर काफी सारे कलर देखने को मिलेंगे और काफी सारे फ्लेवर भी मिलेंगे। अच्छा सा मिक्स देंगे और इन्हें 1-2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। 2 मिनट के बाद जब इसे देखते हैं पालक श्रिंक हो गया है, इसका कलर बदल गया है और ये परफेक्टली कुक हो गए हैं। ज़्यादा कुक इन्हें नहीं करना है। अभी फ्लेम करेंगे ऑफ और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडा होता है हम बनाते हैं ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमें चाहिए 1 बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर, 1/2 बड़ा चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चम्मच सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काला नमक, 1/2 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 2 बड़े चम्मच ऑरेंज जूस, 1 बड़ा चम्मच हनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स देंगे और ये फ्लेवरफुल ड्रेसिंग तैयार है। बड़ा मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके अंदर डालेंगे रोस्टेड वेजेस को। 1 मीडियम साइज बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देंगे। 1/4 कप के आसपास बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। तैयार ड्रेसिंग डालेंगे, किनोआ ऐड करेंगे। ड्रेसिंग और किनोआ को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक बार इन्हें मिक्स कर लेंगे। बची हुई ड्रेसिंग भी डाल देंगे और एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे और ये कलरफुल सैलेड तैयार है सर्व करने के लिए। वीगन डाइट पसंद करने वालों को ये सैलेड काफी पसंद आएगा। गार्निश करेंगे ग्रेटेड जिंजर से। ये तो था इसका वीगन वर्जन, पर मुझे इसके अंदर और कलर ऐड करने हैं। यहाँ मैं गार्निश कर रही हूँ इसे ग्रेटेड पनीर से, जो इसे और हेल्दी और कलरफुल बनाएगा। कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का कलरफुल और हेल्दी फ्लेवर। अगर आप भी चाहते हैं जल्दी से वेट लॉस करना तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपनी फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी और स्वाद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।